एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास ए. सो सी पार्ट इज रुपीज 62,504 1.5 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. फर्स्ट टू पार्ट्स वर अबाउट एनुअली, नाउ वी विल डू हाफ ईयरली. वी हैव रिटन टू फॉर्मूलाज, वन फॉर एनुअल एंड सेकेंड वन फॉर सेमी एनुअल, है ना. सेमी एनुअल मीन्स हाफ ईयरली, राइट. लेट्स स्टार्ट. सेमी एनुअल और हाफ ईयरली बोथ आर सिमिलर. सो प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एंड टाइम 1.5 years, राइट. सो दिस इज 2 ones are 2 plus 3, 3 by 2 years. नाउ व्हेन दे हैव गिवन सेमी एनुअल, देन द फॉर्मूला इज पी 1 plus r by 200 और 100 into 2, राइट. पार 2 टी. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज दिस 1 plus r 8 upon 200 2 into 3 by 2. टी इज 3 by 2, सो वी हैव रिटन 3 by 2. 2 कैंसल विद 6 into 2, राइट. सो 6 to 5 double 0. इफ कटिंग इज पॉसिबल देन वी कैन डू कटिंग. सो एट द टेबल ऑफ 4, 4 2 are 8, 4 5 are 20. नाउ अगेन एट द टेबल ऑफ 2, 2 1 are 2, 2 20, 25 are 50. सो 1 plus 1 by 25, पार 3. नाउ वी कैन टेक एलसीएम. 6 2 5 double 0, 25 plus 1 upon 25, पार 3 एज इट इज. 25 plus 1, 26, पार 26 upon 25, पार 3. वी हैव टू राइट दस 3 times, 6 to 5 double 0 into 26 by 25 into 26 by 25. अगेन, नाउ अगेन इफ कटिंग इज पॉसिबल देन वी कैन डू कटिंग. 25 हियर वी विल राइट 25, राइट. नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन डू डिवीज़न ऑल्सो, राइट. अगेन हियर 100, अगेन इट विल 4. नाउ डू मल्टीप्लीकेशन, राइट रिमेनिंग टर्म्स 26, 26 and 26. व्हेन यू विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स यू विल गेट 17576, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई with the 4 then you will get 70304. So this is our amount. Now we have to find out the compound interest. Formula of compound interest is a minus p. So a 70304 minus p 62500. So this is 7804 rupees. Compound interest equals to rupees 7804, राइट. इसमें कुछ नहीं हुआ, फॉर्मूला चेंज हुआ है. क्वेश्चन में सारा कुछ आपको दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, और उसने बोला हाफ ईयरली. हाफ ईयरली और सेमी एनुअल एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला उसका. तो 2t था, 2 into 3 by 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास 3. तो इसको तो हम खोल सकते हैं आराम से. यहाँ एलसीएम लिया था हमें 25 और इसका, है ना. जब लेके आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 26 by 25. फिर इसको खोला, जितनी कटिंग हो सकी कटिंग करी, तो मेरे पास अमाउंट आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया. सो दिस इज़ आर आंसर ऑफ सी पार्ट. नेक्स्ट वी विल डू आर डी पार्ट. डी पार्ट इज रुपीज दिस फॉर दिस टाइम, दिस परसेंट एंड हाफ ईयरली अगेन. And they have written one hint. You could use the year by year calculation using SI to verify. अब कहता आप इसे भी use कर सकते हो, मतलब
ईयर बाय ईयर निकाल के उनको प्लस करके हम वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लोग क्यों करेंगे इतना लेंथी मेथड, है ना। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट के मेथड से डायरेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव प्रिंसिपल अमाउंट इज 8,000 रुपीज़, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव 9% एंड टाइम इज 1 ईयर, राइट। अब फॉर्मूला फिर से कौन सा लगाना है, हाफ ईयरली का, क्यों, क्योंकि उसने हमें हाफ ईयरली का टाइम दे रखा है। तो पार आएगी 2t, तो a इक्वल्स टू 8,000, 1 + 1/200, 9, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9, p 8,000 था, ये 1 था, बाकी तो एज इट इज़ आ गया, राइट। कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 के टेबल में 200 नहीं जाता है, तो एलसीएम तो 200 ही आएगा, यहाँ आएगा 200 + 9, पार कितनी आ गई 2, तो a इक्वल्स टू 8,000, यहाँ आया 209/200 पार 2, राइट। तो a कितनी आ गई, यहाँ 8,000 इंटू, इसको 2 times लिखना है क्योंकि पार 2 दे रखी है, 209/200, तो 2 ज़ीरो से पहले तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल करी, राइट, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल कर दी। अभी अगर कटिंग कोई पॉसिबल है तो कर देते हैं, 2 के टेबल पे 2 10 ज़ा, 2 4 ज़ा, आगे मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरे को डिवाइड करनी पड़ेगी। नीचे मैंने 10 ऐसे ही बचा लिया ताकि मैं सीधे ही पॉइंट लगा सकूं। अब मेरे पास बचा ये 209, राइट। अब हम इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप 209 को 209 से करोगे तो आएगा 43681। अब इसको फिर से हमें क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब अब इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा एक चीज़ देखो, ये 2 भी तो बचा हुआ है, इसकी कटिंग तो कर सकते हैं इसके साथ, राइट। मतलब यहाँ फिर 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब 43681 की 2 के साथ, तो मेरे पास आएगा 87362, ये मेरी अमाउंट आ गई, राइट। अब मुझे फिर से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी इसके अपॉन में 10 था, लिखा नहीं है, पॉइंट कहाँ लग जाता है, यहाँ पे तो आएगा 8736.2 रुपीज़। तो a माइनस पी करो, a माइनस पी में हमारे पास क्या आएगा, 8736.2 माइनस 8,000, पॉइंट ज़ीरो हो गया, तो मतलब क्या बना, रुपीज़ कितने हैं, 736.20 पैसे आंसर। ये हमारा मतलब क्वेश्चन वही है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है आपको, राइट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लो इसका, ई पार्ट। लास्ट ई पार्ट में देखो, उसने फिर से हमें हाफ ईयरली ही दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है मुझे 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है उसने 8%, और टाइम उसने हमें दे रखा है 1 ईयर, राइट। हाफ ईयरली फिर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, 1 + r/200 / 2t। तो p 10,000 है लिख दिया, 1 + r 8 है अपॉन 200, 2 × 1, ये पहले भी हमने कटिंग करी थी, पहले तो ये चला जाएगा 4 पे, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, फिर 2 पे ये आ गया। अभी यहाँ आ गया 10,000, 1 + 1/25 / 2, राइट। फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ 25 + 1/25 आ जाएगा, पार 2 है, तो ये 10,000 26/25 की स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 25/26 को मैंने लिखना है 2 बार, मैंने 2 बार इसको लिख लिया। अब कटिंग पॉसिबल है, 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100 होते हैं, पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं, मेरे पास ऐसे ही आ जाएंगी, राइट। अब फिर से कटिंग पॉसिबल है तो मैं फिर से कटिंग करूँगी,
25 को जब डिवाइड करोगे 400 के साथ तो आएगा 16, तो मेरे पास बच गया ये। अब इनको कर लो, 16 को ऐसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है ये। अब इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, दिस इज आर अमाउंट रुपीस, दिस 10,816। We have to find out the compound interest, that is A minus P, 10, यहाँ 10,000, ये आपका आ गया compound interest, this is our answer of E part. Next question we will do in our next lecture. Thank you. If anybody is having any confusion, he or she can tell me by doing the comments in the comment section. Okay, thank you.